Couch with Koel. Welcome back. I have not Lalia anymore, but Ratan Rajput here with you. I can't recognize you at all. I don't think your audiences can. No. जल्दी से बिहारी का डायलॉग बोल दे कि पता तो लगे कि वही सेम लड़की है. अरे वो रोज देखते हैं हमको, ऐसे कैसे नहीं पहचानेंगे. ये रतन राजपूत क्या नाम है. I mean it, when you imagine रतन राजपूत, you imagine one tall, you know, big, burly person walking in. You don't imagine this petite little girl. Actually, tall, dark, handsome लड़की को लोग इमेजिन करते हैं, लड़की को नहीं करते. बेसिकली रतन मेरे फादर का मिडिल नेम है. हिज नेम इज मिस्टर राम रतन सिंह. ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम पांच बहनों में मैं सबसे छोटी और मेरे बाद मेरा भाई आया है. उन्होंने इतना स्पेस दिया था मुझे. और जैसे एंट्री मारी सलमान जी ने बोल दिया लाली माँ. अब तो मैंने सोचा लगता है पीछे बढ़ गए बॉस, अब मैं क्या करूंगी. वरना अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो की लाली. प्रणाम जी, प्रणाम. लाली माँ. मैं वो डेविड की बीवी को लाली बोलता हूँ. उनका नाम लाली है तो उनको लाली माँ बुलाता हूँ. तो मैं आपको भी लाली माँ बुलाऊंगा. बोल सकते हैं, हम आपको बेटा बोलेंगे. अच्छा, बस बोलिए. ठीक है, बेटा बोलने के लायक हूँ मैं. सो वुड यू लाइक टू एक्ट विद सलमान? एक्ट से ज्यादा मैं चाहूंगी दोबारा हमारी मीटिंग जरूर हो. कभी नहीं मिले? नहीं मिले. और यू नो उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे, मैंने उनसे स्केचिंग करने के लिए कहा था और ऑन द कैमरा उन्होंने पूरी जनता के सामने कहा था कि मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा, मैं अपने हाथ के स्केचिंग तुम्हें भेजूंगा पेंटिंग. लिसन, दैट शो वाज द हाईएस्ट रेटेड शो ऑफ दस का दम. सो आई थिंक यू कैन डिमांड एनीथिंग. सलमान, आर यू लिसनिंग? प्लीज जस्ट सलमान, मेरे पेंटिंग प्लीज. द टीवी एक्टर, नाउ इट विल टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू गेट रिड ऑफ द लाली टैग बिकॉज यू प्लेड इट सक्सेसफुली. यू नो ये मतलब कैच 22 कि यू बीन सक्सेसफुल, एवरीवन नोज यू एज लाली. Now you'll spend the rest of your career trying to get rid of Lali if you want to do something else. नहीं देखो, मैं एक चीज तो ये कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को तोड़ना या छोड़ना बहुत इजी है. Really? बहुत इजी है. आइडेंटिटी भी? मैं वही बोल रही हूँ कि ग्लास लो तोड़ दो, टूट गया. हाँ, लेकिन बनाने में उसके पीछे बहुत लोग लगे होते हैं. लाली का जो कैरेक्टर है, इट्स मैं दूसरा कैरेक्टर बनाना चाहूंगी. मैं बनाने पे बिलीव करती हूँ. मैं इस कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहती हूँ. लाली का कैरेक्टर जैसा है, मैं चाहती हूँ लोगों के दिमाग में, दिल में वैसे ही वो जीता रहे. Now we're going to play a little game. It's called Couch Confession. Couch Confession. Tell me a secret about अगले जन्म that no one knows. Oh my God. एक सीक्रेट है. मैंने पता नहीं, ये लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं जब पहला ऑडिशन देने गई थी, एंड अभिषेक और मैं, यू नो कपल ऑडिशन भी होता है वहाँ पे कि दोनों साथ में कैसे लगेंगे. तो मैं ऑलमोस्ट फाइनल थी, ऑलमोस्ट फाइनल इन द सेंस की फाइनल थी, लेकिन मेरे साथ कई पैर आकर के ऑडिशन दे रहे थे. एंड मैंने जिस दिन अभिषेक के साथ ऑडिशन दिया था, ज़्यादा फूलना मत और ज़्यादा खुश मत होना, ओके. मैं उसके साथ दिया और मैं अंदर से प्रे कर रही थी कि प्लीज भगवान इसी को देना ये रोल, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी. ये उसको भी नहीं मालूम और शायद यहाँ सेट पे किसी को नहीं मालूम होगा कि मैं इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ उसके साथ. हमारी दोनों में बहुत नोकझोंक चलती है, मतलब सब तो मैंने खुद देखा है. हाँ, तो सबको लगता है कि हम दोनों की बनती नहीं है. कई बार ऐसा हुआ भी है, मीडिया में भी बात आई कि नो शेखर और ये लाली बिल्कुल आपस में ऐसे रहते वैसे रहते हैं और हम पीछे हंस रहे होते हैं.